हेलो दोस्तों, राम राम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल निकिता मीना ब्लॉग चैनल पे आप सभी का एक और फिर से स्वागत है। तो आज का एक और न्यू ब्लॉग, तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ब्लॉग के साथ बने रहना आप। आज का प्यारा सा ब्लॉग होगा, बहुत अच्छा होगा। आज का ब्लॉग अपने बोर्ड डालेंगे ना, उसके ऊपर रहेगा। वहाँ बोर्ड डालने के लिए जाएंगे हम लोग सभी, और देख वहाँ हमारी जो पोलिंग है वहाँ बोर्ड डाल रहे हैं, वहाँ दिखाएंगे आपको। तो ठीक है, ब्लॉग के साथ बने रहना आप। इसमें आलू है, सब अपने अपने कामों में लगे। तो वह दाल बना रहे हैं आलू पतली की सब्जी। दोस्तों पापा तोड़ रहे हैं धनिया। और डुग्गू अंदर जाने के समय में पापा ये आ रहा है। इधर नहीं। तो दोस्तों मम्मी बलिता लेके आ चुकी है। इसमें तो काटे हैं। तो दो है। तो दोस्तों दादी कर रही है छाछ। रोटी नीचे का काम कंप्लीट करके हम लास्ट में रोटी बना रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, ब्लॉग के तो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं बोट डालने के लिए मनाली। और निकिता का पापा नहा चुके हैं, बच्चों को ढेर सारे कपड़े धुले हैं। और फिर बच्चों के बस 10 में 10 की देर पिया दो तो रखिया भी डाली है ना उसमें। तो दोस्तों मैं और निकिता के पापा जा रहे हैं बोट डालने के लिए। और ले रहा है वो ये पत्थर न, और गिर जाऊं मुझे पर फाड़ा न। और लेट जा रहे हैं शॉर्ट शॉर्टकट का खाएंगे। देखा है ना तीजा मूवी थी। तो हम यहाँ पे आए स्कूल में बोट डालने के लिए, और यहाँ पे बाहर है। भीड़ पड़ रही होगी, पुलिस वाला फोन और रखवा लेंगे। मैं उन्होंने खा देंगे फोन रख दे हैं, अंदर ना रखो अभी तो। यहाँ से जूम कर बना लूँ। देख ये ले दे वो काट लेते कि नो बड़ो काट रही है। मैं जी जी क्या ड्यूटी लगा रखी है ना। क्या बजे बैठी हो? हम बैठा सुबह 7 बजे का। नाश्ता पानी ना दियो? कुछ भी नहीं मिला। अच्छा नाश्ता कोई ना दे। उधमार सर जी लाया है। लिया हूँ अब तो ना सर जी लाया है। सर जी लाया खुद का पहचान का ना अपने अपने स्कूल को यही स्कूल बना रहे हो बीएल। अच्छा चलो चलो ना इनकी। अच्छा इनकी लग रही है टूटी बोर्ड। देखे अब जा रहे हैं घर मेरो प्रेम प्रेम। और देख देख डायलॉग हम एक्सीडेंट होगा जब भी बिठा रखा है जब भी छुट्टी ना मिल रही हमको। अच्छा कहीं लग गया आपको? दे मर्जी जी देख निब्बस हाल गया जब बोर्ड दे। अम्मा देखना दीदी वोट गिर अभी ना मरवा को तो जा रही है। दादी वोट दे भाई है देगी जरूर है ना। तो देखो दादी कितनी उम्र होगी दादी? क्या 1 साल का होगा? ना कितनी होगी तो फिर भी ये हमारी दादी है जो 90 साल की है। और वोट डालने आई है? और वोट डालने आई है। वोट जरूरी है दादा को ब्याह जाके सामने पर खाओ पर कृपाल भाया की उम्र कितनी होगी? अबले उल्टी उतार उल्टी हूँ
तो दोस्तों पोलिंग बूथ पे देख लो, ये हमें दादी है जो 90 साल से ऊपर की वोट देने आई है, और आप भी सभी वोट दो ज्यादा से ज्यादा भाई। और रात को भी अब हम वोट देके जा रहे हैं और अब चलते हैं फटाफट से। ये गांव है जैसे वन पटलाई चल रही है, पहले ही आ रहा जो छोड़ छाड़ चलेगा। तो मम्मी कर रही है अपने सूटों की फिटिंग। मम्मी कर रही अपने ऑफिस कवर, बिट्टू को इधर होमवर्क दे वो कर नहीं रही है, लेके बैठी है। पापा इधर कर ले कूलर साफ, इधर मम्मी करेगी पापा की मदद। और पापा कह रहे हैं क्या, अरे तुम्हारा दिन काम करने आ गया। तो दोस्तों मम्मी इधर फटक रही है गोबर, और ये डुगु शैतान ये भी काम कर रहा है जो ऐसे देखा रहा है।